दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हमने आपको ये बताया कि गुटके में कांच मिलाई जाती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। तो हम बाकी फूड प्रोडक्शन के साथ गुटके में मिलाई जाने वाली सबसे घटिया चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले आपको रिसर्च द्वारा रेड में पकड़े गए गुटके में बेस इंग्रेडिएंट दिखाते हैं। बहुत ही लो क्वालिटी का टोबैको होता है। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ और चीजें डालते हैं, मिसाल खून, जो कि कमेले से खून लिया जाता है, उसको ड्राई करके उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्योर कत्था महंगा होता है, तो वो उसमें खून शामिल करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो एक शीशा होता है यानी ग्लास, उसकी क्रश फॉर्म भी गुटके के अंदर होती है। उससे क्या होता है कि वो मुंह के अंदर जब वो गुटका इस्तेमाल करता है तो वो हल्के हल्के जख्म उससे लगते हैं, और उस जख्म की वजह से जो निकोटीन है, जो तंबाकू के अंदर जो जहर है, वो ज्यादा जज्ब होता है। जैसे कि आपने इस स्पेशलिस्ट का वीडियो देखा, कत्था महंगा होने के कारण उसमें सूखा हुआ खून मिलाया जाता है और उसमें कांच के पाउडर मिलाए जाते हैं, जिसके कारण मुंह में खरोचे आती है और चूने के कारण मुंह जलने लगता है और बार बार खाने के कारण हमें उसकी लत लग जाती है। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। ये देखें जी, अब खुद देख ले, अपनी आंखों से देख ले। इसके बाद भी अगर कोई गुटका खाए, क्या है ये भाई, क्या है ये, चूना है? ये चूना है सारा। चूने का पत्थर है जी। अगर मैं खींच के किसी के सर पे मारूं, उसका सर फट जाएगा। फट जाएगा। ये देखें आप जी, ये यकीन माने पत्थर है, इतना ही इसका वेट है। वही चूना है, वही चूना है जो दीवारों पे होता है, जो हम बच्चों को रोकते हैं कि बेटा इसमें से दीवार से खुरेद के नहीं खाना, ये जहर है। इसमें आपने देखा ही होगा कि कितनी घटिया जगह पर इसे बनाया जाता है। यहाँ तक कि जो चूना हम दीवारों पर लगाते हैं, उसे ही गर्म करके खाने वाले गुटके में डाला जाता है। यदि आप एक चीज पर गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि जहाँ पर गुटका बनाया जाता है और जहाँ पर उसकी पैकिंग की जाती है, ये दोनों फैक्ट्रियाँ अलग अलग जगह पर होती है। यहाँ तक कि इन गुटकों में मरे हुए कीड़े और छिपकलियाँ भी मिली है। आखिरी डिसीजन मैं आप पर छोड़ूंगा कि इतने अलग अलग प्रूफ दिखाने के बाद भी यदि आप जहर निकलना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है।